टीवी के रोमांटिक कपल दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम काफी वक्त से लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे बोर हो चुके हैं। घर में रहकर भी दीपिका ने अपनी फैमिली के साथ हर पल को खूब एंजॉय किया था। ईद जैसे कई फेस्टिवल को दीपिका ने अपने ससुराल वालों के साथ सेलिब्रेट किया, लेकिन यूजर्स उनकी पर्सनल लाइफ में घुसकर दोनों के बीच जहर बोने में लगे। पहले दीपिका के कपड़ों को लेकर जहर बोया गया, उसके बाद उन्हें किचन में देखकर ऐसी बातें कही गई कि दीपिका के ससुराल वाले उनसे खूब काम करवाते। एक तरफ कई लोगों ने उनके धर्म पर उंगलियां तक उठाई, ऐसा महसूस करवा दिया कि दीपिका ने शोएब से शादी करके सबसे बड़ी गलती की है। और अब फिर से जब दीपिका अपने परिवार के साथ हॉलीडे पे निकली तो फिर से ऐसी बातें बनने लगी कि ससुराल वाले दीपिका और शोएब को क्वालिटी टाइम देना ही नहीं चाहते, इन्हें दूर करने के लिए एक साथ जाने भी नहीं देते। दरअसल दीपिका अपने पति और ससुराल वालों के साथ घूमने निकली। उन्होंने ट्रिप की कई फोटोज भी शेयर की जिसमें दीपिका के सास ससुर ननद नजर आ रही हैं। दीपिका और शोएब भी नजर आए, लेकिन परिवार को देखकर कुछ लोगों ने घटिया सोच बना ली कि इनका परिवार इन्हें क्वालिटी टाइम देता ही नहीं है। दीपिका इस वक्त लोनावाला के एक रिजॉर्ट में ठहरी हुई है। सुबह में वो अपने डॉगी के साथ वॉक पर जाती थी। वॉक से आते वक्त उन्होंने बारिश का लुत्फ भी उठाया। मौका पाते ही शोएब भी दीपिका के साथ रोमांटिक होते दिखे। ट्रिप पर आने से पहले दीपिका ने शोएब के चैनल की सफलता के लिए सेलिब्रेशन भी सरप्राइज किया था। शोएब के यूट्यूब चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइब हो चुके हैं। ऐसे में दीपिका ने उनके लिए यूट्यूब बटन की थीम का केक मंगवाया और पूरी फैमिली के साथ जश्न मनाया। वैसे तो ये जोड़ी क्वालिटी टाइम बिताने में कोई भी पल खाली नहीं जाने देती है, लेकिन लोग इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा तंज कसते रहते हैं। हालांकि शोएब और दीपिका अपने बिंदास जवाब से ऐसे यूजर्स का मुंह बंद कर चुके हैं। आपको बता दें, दीपिका कक्कर की ये दूसरी शादी है। सीरियल ससुराल सिमर से दीपिका और शोएब की मुलाकात हुई थी और यहीं से इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर इन्होंने शादी का फैसला किया। दीपिका बिग बॉस 12 की विजेता भी रह चुकी हैं और सोशल मीडिया पर अक्सर छाई रहती हैं। तो दीपिका और शोएब को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। मेलाम न्यूज रिपोर्ट।